الذين هم خلاصة العرب العظماء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدقت يا رب العالمين وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين وصدق رسولك النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزيزم قاري صاحب دوستوں بھائیوں عزیزوں آج غالباً 23 نومبر 2003 عیسوی ہم یہاں گجرانوالا پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں میرے عزیز حافظ ضیاء اللہ کا اصرار تھا میں جب یہاں پہنچا ہوں امریکہ اور کنیڈا کے سفر سے غالباً پہلے روزے میں پاکستان آیا ہوں تو ان کا اصرار ہوا کہ میں رمضان ہی میں گجرانوالا آ جاؤں میں ان کا مقروض ہوں کچھ میری غیر حاضریاں ہوئی ہیں جن سے یہ بھی کبیدہ خاطر ہوئے آپ دوست بھی ظاہر ہے کہ کبیدہ خاطر ہوئے ہوں گے تو میں نے چاہا کہ یہ قرض ادا کر دوں پھر میرے عزیز قاری عطاء الرحمن صاحب قرآن کریم کی تجوید اور ترتیل کے حوالے سے بحمد اللہ تعالی اس وقت ان کا نام ملک بھر میں احترام سے لیا جاتا ہے اللہ انہیں نفس کے فریب سے بچائے رکھے میں بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس حوالے سے اس نسبت سے ان کو اور عزت عطا فرمائے اگر کوئی دل کی دنیا میں قرآن کو بسا لے تو اس سے بڑی کوئی اور ضمانت نہیں ہے کہ قرآن اس کو بلند کر دیتا ہے
ये ऐसी जमानत है, ये ऐसी गारंटी है कि इससे बड़ी गारंटी कोई नहीं। आपने तरावी में कुरान करीम की समाअत मुकम्मल फरमाई, इस पर भी मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। हिलाल रमजान तो आसमान के दामन से जाने वाला है कुछ फितरी तौर पर, कुछ अहबाब भी तैयार रहते हैं कि जितना मुमकिन हो जल्दी रुख्सत कर दिया जाए इसको। और ये अजीब बात है कि ईद के मामले में ज्यादा बेकरार वो होते हैं जो रोजे नहीं रखते, और फिर ईद की सफों में वो अगली सफ में भी बैठे होते हैं खैर से। उस दिन बड़े मासूम बनकर मैं दुआ करता हूं कि आगाज अगर मुत्तफिका नहीं हो सका तो अल्लाह करे कि ईद मुत्तफिका हो जाए हमारी। इस हवाले से सियासतबाजी हमारे कौमी तशख्खुस के लिए बहुत बड़ा आयब है, नहीं होनी चाहिए। रमजान और कुरान का जिस्म और रूह का सा ताल्लुक है। रमजान जिस्म है, कुरान रूह है। इसको सैयदुश्शुहूर बनाया कुरान करीम ने, यह तो कुरान का एजाज है ही। इस रात में आया, उसको हजार महीनों की रातों से बेहतर कर दिया। जिस उम्मत के लिए आया वो सब उमम में मुअज्जज हुई, जिस जमाना में आया वो सब जमानों में मोहतरम हुआ, जिस रसूल के कल्ब पे नाजिल हुआ वो रसूल सारे अंबिया और रसूल का इमाम बना। तो इसका एक अमली एजाज ये है कुरान करीम का कि जो ही ये मनसा शहूद पे तुलू होता है तो पूरी दुनिया में बेसाख्ता कुरान गूंज उठता है। राबता वालों के आदाद और शुमार के मुताबिक जाहिर है कि उसमें कोई कमी बेशी भी होगी। उनके आदाद और शुमार का ताल्लुक मारूफात मारूफ मकामात तक है। कुछ मकाम अभी बाकी हैं जहां तक वो नहीं पहुंच पाए होंगे। ऐसे मकामात तो मैं देख चुका हूं दुनिया में। इस वक्त कुर्राए अर्ज पर जहां भी इंसानी आबादी है कुरान वहां पहुंच चुका है, ये मैं आपको बताऊं। और 9/11 के बाद ये जो सितंबर की 11 तारीख को ड्रामा रचाया गया, ये आपका टेलीफोन है, आपने सूरह इसराफील रखा हुआ है। ओ खुदाया, इसका गला घूंटो, सुनो मत, नीचे रख दो भाई, नहीं मानेगा मौलवी, और माने नहीं हो सकता। अच्छा, सितंबर की 11 तारीख को जो ट्रेड सेंटर और पेंटागन में ड्रामा रचाया गया मुसलमानों और इस्लाम को बदनाम करने के लिए, जवाज पैदा करने के लिए, उनका ख्याल ये था कि इससे मुसलमान मुतासर होंगे। चुनाचे उन्होंने जो करना था किया, लेकिन बहुत ही आराम से मैं आपको एक बात कहूं जो मेरे अपने एक्सपीरियंस से ताल्लुक रखती है, जो मेरे अपने मुशाहदे से, मैं अभी बात कर रहा था दोस्तों से
یہ میرا 3 مہینے کا تقریباً سفر تھا، اس میں افریقی ممالک بھی تھے، یورپین ممالک بھی تھے، کینیڈا بھی تھا، امریکہ بھی تھا۔ اس سفر میں جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا پچھلے 50 سالوں میں نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک ڈاکٹر پی ایچ ڈی، جب وہ خاتون، اس کو میں نے تلقین کی جب وہ مسلمان ہو چکی، تو میں نے اس سے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہے، پی ایچ ڈی تک پہنچنے کے لیے ایک خاصا عرصہ لگتا ہے، کم از کم 20-25 سال تو آپ نے لگائے، تو اس دوران آپ نے کئی لائبریریوں کو ٹچ کیا ہوگا، کئی کتب پڑھی ہوں گی، لٹریچر کو اسٹڈی کیا ہوگا، یہ اچانک آپ کو اسلام کیوں پسند آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ 9/11 کے بعد، 11 ستمبر کے بعد، پہلے ہمارا نالج تھا، 9/11 کے بعد ہمارا ایکسپیرینس شروع ہوا، مشاہدہ شروع ہوا۔ ہم نے سن رکھا تھا کہ اسلام ناقابل تسخیر ہے، لیکن اب ہم نے دیکھ لیا جو کچھ افغانستان میں ہوا، جو کچھ بغداد میں ہوا، ہم دیکھ چکے، اور ہمارے ضمیر نے ہمیں مجبور کیا کہ مسلمان کو ذبح کیا جا سکتا ہے لیکن اسلام کو نہیں جھکایا جا سکتا۔ سو میں اطمینان کے ساتھ مسلمان ہو رہی ہوں۔ تو اس وقت ایک خاموش تحریک شروع ہے قرآن کریم کی فتوحات کی۔ آپ تو گھبرائے ہوئے ہیں کہ وہاں کیا ہو گیا، وہاں کیا ہو گیا، اور وہاں کیا ہو رہا ہے، مگر اس وقت ایک خاموش تحریک شروع ہے قرآن کریم کی فتوحات کی، قرآن کریم کی پذیرائی کی۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آج کی تاریخ، آج کا وقت، اور اس فقیر کا نام لکھ لیجئے، ظلم کی اس اندھیری رات کی کوک سے ایک خیر کی صبح طلوع ہونے والی ہے، انشاءاللہ۔ میں شاید نہ رہوں، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے، جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو وہی اس کے خاتمے کی تمہید ہوتی ہے۔ سنت اللہ یہ ہے کہ وہ کفر اور شرک کو تو برداشت کرتا ہے، لیکن ظلم کو زیادہ تر نہیں برداشت کرتا۔ ظلم کو زیادہ دیر برداشت نہیں کرتا۔ میں عالمی سینٹر ہے، سائنسی سینٹر ناسا، وہاں جانا ہوا میرا، ان کو پتہ چلا مسلمانوں کا پریسٹ آ رہا ہے، تو انہوں نے ایک چھوٹا سا ریسپشن ارینج کر لیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ ہمیں اپنی جو ان کی تحقیقی کامیابیاں ہیں اس سلسلے میں، اپولو 1 سے اب تک کی، وہ بتاتے رہے، یہ ہوا یہ ہوا۔ پھر وہ ایک ہال میں لے گئے، کرسیاں لگی ہوئی تھیں، وہاں ہم بیٹھ گئے۔ ایک سائنسسٹ جو غالباً اسٹیج سیکرٹری تھا، ایک سائنسسٹ وہ چڑھ گیا اسٹیج پر، کمبخت کے سارے بال انلمیٹڈ تھے، پتہ نہیں کتنے سالوں سے اس نے بالوں کو ٹچ نہیں کیا، سر کے بال مونچھوں سے، مونچھوں کے بال داڑھی سے، داڑھی کے بال لامحدود، مجھے تو کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا منہ کہاں ہے۔ وہ تو جب بولا یہ جگہ ہلی تو اندازہ ہوا یہیں کہیں ہوگا۔ اس نے ہمیں ویلکم کہا، شکریہ ادا کیا، آپ نے ہمارے سائنسی سینٹر کا وزٹ کیا۔ پھر ایک خاص جذبے کے ساتھ کہتا ہے، تھینکس فار ہولی قرآن، میں آپ کی دینی کتاب قرآن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تسخیر کائنات کے سفر میں دنیا کی کسی کتاب نے ہمیں انکریج نہیں کیا
सिर्फ कुरान ने हमें हौसला दिया कि तुम अगर समंदर की तह में उतरो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, और अगर सितारों पे कमंदे डालो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। सिर्फ कुरान करीम। जर्रे से आफताब तक, जर्रे से आफताब तक कुरान करीम की गाइडेंस कंटिन्यूज रही और है। आपने सुन रखा है कुरान करीम कलाम फितरत है, कलाम फितरत है। इस पर कभी आपने गौर भी किया? क्यों गौर करें? हाय हाय, गौर करने वाले कब्रों में चले गए भाई, अब नाराबाज रह गए बाकी। कलाम फितरत का क्या मतलब? सूरज नूर फितरत है, चांद नूर फितरत है, हवा की ठंडक फितरी है, पानी की बुरूदत फितरी है, यानी सूरज की तपिश या सूरज की रोशनी सिर्फ मुसलमानों के आंगन, मुसलमानों के खेतों तक नहीं महदूद रहती, वो गैर मुसलमों के खेतों को भी हयात पहुंचाती है। अहमद इस्लामी केसर एंड सीडी सेंटर बाजार चूड़ी ग्राम मुत्तसल जामे मस्जिद सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा नज़्द उर्दू बाजार अहमद मार्केट गुजरांवाला। मोबाइल नंबर 03205790014। हवा सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, सबके लिए है। पानी सिर्फ मुसलमान की प्यास नहीं बुझाता, हर जानदार की प्यास बुझाता है। बालफाज दीगर, हर जी रूह की जरूरत है। वजअलना मिनल माए कुल्ल शयइन हय, पानी हर जी रूह की जरूरत है। चांद की ठंडी ठंडी चांदनी पूरी कायनात को रोशनी पहुंचाती है, ठंडक पहुंचाती है। मैं बगैर किसी तकल्लुफ के ये दावा करता हूं कि कुरान की रहनुमाई भी पूरी कायनात के लिए है। मेरा और आपका ताल्लुक कुरान करीम से दस्तूरी है, कानूनी है। हमने मुसलमान होने का क्लेम किया बईमानी के अब हम जिंदगी कुरान के अहकामात के मुताबिक गुजारेंगे। हम मुसलमान कहलाए इसलिए कि अब हम कुरान की रहनुमाई में जिंदगी गुजारेंगे। कुरान हमारी ख्वाहिशों के ताबे नहीं होगा, हमारी ख्वाहिशें कुरान के ताबे होंगी। कुरान पर हमारी मर्जी नहीं चलेगी, हमारी मर्जी कुरान की महकूम होगी, ताबे होगी। लेकिन जो कुरान की कॉमन गाइडेंस है, आम रहनुमाई है, वो पूरी कायनात के लिए है। चुनाचे उन्होंने जब बात खत्म की और मुझे कुछ कहने को बुलाया तो मैंने जवाबी शुक्रिया अदा किया, वो जो होता है रस्म दुनिया है। फिर मैंने कहा कि आपने अनासिर अरबा पे मेहनत की, हवा पानी खाक आग, अनासिर अरबा पे मेहनत की, तैयारे उड़ गए, सैयारे उड़ गए, कंप्यूटर बन गया, इंटरनेट आ गया, फैक्स आ गई, टेलेक्स आ गया,
रेडियाई निज़ाम मुनज़्ज़म हुआ, बहुत सारी आपने साइंसी ईजादात तक कामयाबी हासिल की। हवा को समझा, मिट्टी को समझा, पानी को समझा, आग को समझा। तो हवा, पानी, मिट्टी, आग को समझ लिया, इनके पैदा करने वाले को अभी तक क्यों नहीं समझा? ये चारों, हवा, पानी, खाक, आग, ये चारों उसकी बंदगी में लगे हुए। सुभान। मौलाना रूमी फरमाते हैं, आबो खाको बादो आतश बंदन बामनो तू मुर्दा बा हक जिंदा। पानी, हवा, मिट्टी, आग बंदगी कर रही हैं मेरे और तेरे सामने, ये चुप हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन के हाँ इनकी इबादत में एक लम्हे की भी ताखीर नहीं आती या फर्क नहीं पड़ता, गफलत नहीं होती। मुझे और आपको कभी कभी नींद उठने नहीं देती अल्लाह की याद के लिए। हम सुबह को भी उठते हैं तो अल्लाह की याद के लिए थोड़ी उठते हैं। पता नहीं यहां आपके हजरात जो सुबह सहरी के वक्त उठाते हैं वो क्या कहते हैं। हमारे वहां रावलपिंडी में तो मौलवी साहबान कहते हैं, रोजादार हो, अल्लाह रसूल के प्यार हो, जन्नत के हकदार हो, सहरी का वेला हो गया, खान पीन की तैयारी कर लो। शाबाश। ये नहीं आख दे भाई उठो अल्लाह नू याद करो, तहज्जुदी नवाफिल पढ़ लो, जिक्रो फिक्र की तैयारी करो, खान पीन नू किसे छोड़ना है, वो तो हो ही जाएगा। लेकिन हूँ फिर उन्होंने होर कुछ आवे तो आखन, फेरी का वेला हो गया, खान पीन की तैयारी कर लो, पहलवानों उठ जाओ। शाबाश। ये महीना जिक्र फिक्र का महीना था, हमने इसको भी खाने पीने का महीना बना डाला। फरमाया वा आयतुल लहुमुल अर्दुल मैता। सुभान अल्लाह। أحييناها فأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون سبحان الله وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب ما شاء الله وفجرنا فيها من العيون لَيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِي وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَفَلَا يَشْكُرُونَ أَفَلَا يَشْكُرُونَ इस इस्तफहाम पर अगर कोई गौर करे तो जुनैद बगदादी बन जाए, रब्बुल इज्जत की कसम। यह भी हमारी मारफत की दलील है कि हम आसमान से ठंडा और मीठा पानी बरसा कर तुम्हारी मुर्दा जमीनों को जिंदगी देते हैं। सुभान अल्लाह। फिर उनसे जमीन की कोख से तुम्हारे लिए रिज्क निकालते हैं। हम तुम्हारे लिए मुख्तलिफ रंगतों, मुख्तलिफ जायकों वाले समरात देते हैं, फिर भी तुम्हें शुक्र की तौफीक नहीं मिलती।
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض سبحان الله ومن أنفسهم ومما لا يعلمون سبحان الله وہ پاک ہے جس نے زمین سے اگنے والے ہر پودے میں تزویج کا رنگ بھر دیا تزویج کا رنگ بھر دیا کچھ کو تم جانتے ہو کچھ کو اب تک نہیں جانتے ہو وآیت لہم اللیل سبحان اللہ رات میں بھی تمہارے لیے ہماری معرفت کی دلیل ہے نسلخ منہم نہار فإذا ہم مظلمون سبحان اللہ جب اندھیرا چھا جاتا ہے تاریکی کی مکمل حکمرانی ہوتی ہے کسی طرف سے بھی روشنی کی کرن دکھائی نہیں دیتی ہم اپنے کرم سے ٹھیک وقت پر صبح طلوع کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ استعارہ ہے یہ فطرت کی طرف سے استعارہ ہے کہ جب اندھیرا چھا جائے تو پھر صبح طلوع ہونے والی ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا سبحان اللہ سورج اپنے ہدف کو مسافر ہے تمہارے سائنس کا کمال نہیں یہ تمہارا نظام نہیں ہے ناسا والو ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ سبحان اللہ یہ عزیز و علیم کی تقدیر ہے یہ اس کے کرشمے ہیں والقمر قدرناہ منازل اور چاند ہم نے اس کی منزلیں طے کیں والقمر قدرناہ منازل سبحان اللہ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ سبحان اللہ جنم لیتا ہے اس پہ بچپن آتا ہے پہلی دوسری رات پھر اس پہ لڑکپن آتا ہے چوتھی پانچویں چھٹی رات چودھویں کی رات اس کی جوانی چمکتی ہے سبحان اللہ پھر اس پہ بڑھاپا آتا ہے پھر وہ بیوہ کی ٹوٹی ہوئی چوڑی کی طرح دکھائی دیتا ہے کل عرجون القدیم سبحان اللہ یہ دعوت نظارہ دی قرآن کریم نے ایسے معلوم ہوتا ہے سائنس کا لیکچر ہو رہا ہے یو کین بلیو اٹ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر سبحان اللہ یہ ان تدرك القمر کا جو ادراک ہے اس کا کانسیپٹ میں اب دیتا ہوں آپ کو ترجموں میں نہیں ملے گا شاید للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ماشاءاللہ کوئی حق نہیں سورج کو نہیں دی ہم نے اجازت چاند کو کہ یہ سورج کے سفر میں مداخلت کرے یا سورج چاند کے جرنی میں مداخلت کرے نہ یہ اس کو ڈسٹرب کرتا ہے نہ یہ اس کو ڈسٹرب کرتا ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر وللیل سابق النهار
तो या अल्लाह फिर ये करते क्या है? इनका कंपटीशन भी नहीं, मैच भी नहीं, या अल्लाह फिर ये करते क्या है? रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, सुभान अल्लाह, ये सब आसमान के दामन में मेरी इबादत में लगे हुए हैं। सूरज की ताबानी में मेरी इबादत है, चांद की दरख्शानी में मेरी तस्बीह है। कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, ये सब आसमान के दामन में मेरी तस्बीह में लगे हुए हैं। अलम तर अन्नल्लाह, अलम तर अन्न, अलम तर अन्नल्लाह युसब्बिहु लहु मन फिस समावाति वल अर्द। भाई भूलने लगू तो इसलाह कर देना, लोग रमजानी होते हैं, मैं शाबानी किस्म का हाफिज हूं। अलम तर अन्नल्लाह युसब्बिहु लहु मन फिस समावाति वल अर्द, सुभान अल्लाह, देखते नहीं जो कुछ भी आसमानों और जमीन में है सब मेरी तस्बीह में लगे हुए हैं। सुभान अल्लाह। वत्तयरु साफात, और परिंदे तो बाजमात, वत्तयरु साफात बाजमात, देखते नहीं हो दिन भर अपनी माशी जरूरतें पूरी करने के बाद ये नन्हे नन्हे परिंदे अतराफ अकनाफ से उड़ उड़ कर एक दरख्त पे जमा हो जाते हैं, चुप होने से पहले रात भर के लिए, खामोश होने से पहले मिलकर उसकी तस्बीह करते हैं। मैं और आप कहते हैं चिड़ियां चहक रही है, कुरान कहता है अल्लाह की तस्बीह हो रही है। वत्तयरू साफात, फिर सुबह उठती है, रिज की तलाश में जाने से पहले फिर मिलकर अल्लाह की याद करती हैं। कहीं आपको ख्याल आया कि ये तो पाकिस्तान की चिड़ियां, चूंकि हम नमाजी हैं हमें देखकर उनको भी अल्लाह याद आ गया। जी हाँ, तुम जिस किस्म के नमाजी हो मुझे खूब मालूम है, पूरी दुनिया में मैं जहां भी गया हूं शंघाई की चिड़ियां भी तस्बीह करती हैं, बीजिंग की चिड़ियां भी तस्बीह करती हैं, मास्को की चिड़ियां जो अल्लाह को नहीं मानते दहरिया हैं वहां की चिड़ियां भी तस्बीह करती हैं, अफ्रीका अमेरिका की, दुनिया भर में गुजरांवाला वालों पूरी दुनिया घूमा बैठा हूं, मुझे तो कोई एक भी परिंदा काफिर नजर नहीं आया। काफिर बहुत दूर की बात है, गाफिल नजर नहीं आया। अभी इस सफर में अफ्रीका में मैंने कुछ दिन गुजारे, मैं दो हफ्ते वहां रहा हूं, तहज्जुद के लिए मुझे टाइम पीस की जरूरत नहीं रही, हालांकि रात को बहुत देर हो जाती, कभी एक कभी डेढ़ कभी दो बजे बयान से फारिग हुए और आकर लेटे, 3:05, 3:07 या 8 मिनट, बस इसी दौरानिए में मेरे पड़ोस में एक मुर्ग अजान दे मरता था। सुभान अल्लाह। वो असली मुर्ग, ये अंग्रेज ना तेरा ब्रायलर, ये बदबख्त कभी अजान दे दे तो मुझे बताइएगा, मिठाई खिलाऊंगा आपको, मैं इसे तो मुर्ग मानता ही नहीं हूं। मुझे जब दोस्त पूछते हैं कि आपके लिए क्या बनाया जाए तो मैं उनसे कहता हूं सिवाय ब्रायलर के सब कुछ की इजाजत है। असली मुर्ग वो जिसके मुतालिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तसुब्बुद्दीक, मुर्ग को गाली ना दिया करो, खा जाया करो, गाली दिल आजारी ना किया करो बेचारे की, इसलिए कि वो अल्लाह का जिक्र करता है। बस वो एक अजान देता था,
फिर अतराफ में शुरू अनगिनत बेशुमार मुर्ग आजान देना शुरू कर देते थे। और ये पूरी कायनात में है ऐसा, पूरी कायनात में। अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहु मन फिस्समावाति वल अर्द वत्तैरु साफ्फात कुल्लुन कद अलिम सलातहु व तस्बीहा। माशाल्लाह, इन सब ने, इनको जहाज उड़ाना नहीं आया, कंप्यूटर बनाना नहीं आया, टेलेक्स फैक्स बनाना नहीं आया, ये जिन बनाना नहीं आया, इसको जिन कहते, लेकिन इन सब ने बगैर किसी यूनिवर्सिटी, बगैर किसी एकेडमी और बगैर किसी मकतब के अल्लाह की तस्बीह सीख ली है। खूब जानते हैं, खूब जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम जी ज़वील उकूल हैं और वो गैर ज़वील उकूल है, हम बाशऊर मखलूक हैं। एक नौजवान आया, कहने लगा, हजरत कोई वजीफा दीजिए, नमाज में कोताही हो जाती है, कोई वजीफा बताइए। मैंने कहा खाना खाते हो? जी बिल्कुल, खाने में कोताही नहीं होती? नहीं बिल्कुल नहीं। यानी खाना वगैरह के लिए वजीफे की जरूरत नहीं है, नमाज के लिए कोई वजीफा बताइए, कोताही हो जाती है। मैंने कहा बस उसका वजीफा यह है कि जरा करीब हो जा, मारूं 20 और गिनूं 2, सिफर हटाऊं, लगाऊं तुझे 20, कि खाने पीने में तू माशाल्लाह होशियार है, बेदार है, अल्लाह की याद में गाफिल है। तो दोस्तों, आजकल तो आपका ऊपर वाला जो मामला है महफूज नहीं है कारी साहब, और ये आपकी खुशकिस्मती नहीं है, बता दूं आपको, उन ख्वातीन को ऊपर बिठाइए जिनमें ये अहलियत हो, जिनमें अहलियत ना हो उन्हें घर रहने दीजिए, वरना वो आके आपकी सारी मेहनत पे पानी फेर देंगी, जैसे अभी हो रहा है। ये बेचारी टीवी के आगे बैठने वाली, इंटरनेट के आगे बैठने वाली, केबल के, अब यहां उनको क्या पता कि इसके क्या आदाब होते हैं। फिर इनके जेरे साया जो बच्चे परवरिश पाएंगे वो भी इन जैसे, हाँ, ये खुद अदब करेंगी तो बच्चे भी अदब करेंगे। मां के कदमों में अल्लाह ने जन्नत क्यों रखी है भाई, कभी गौर फरमाया आपने? सिर्फ इसलिए कि इसके जेर साया हसन हुसैन जैसे बेटे तैयार हों। हर मां के कदमों में जन्नत नहीं होती, उस मां के कदमों में जन्नत है जिसके जेर साया हसन हुसैन जैसे बेटे तैयार हों। तो अल्लाह मेरी बेटियों को फातिमा से निस्बत अता फरमाए। आज के बाद कभी जब दीनी इज्तिमा में आए तो डिस्टर्बेंस ना हो। रायवंड में हजारों नहीं लाखों ख्वातीन होती हैं माशाल्लाह, लेकिन कभी उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। सुभान अल्लाह। और तुम यहां मेरे कानों में बैठकर एहसास दिला रही हो कि हम बैठी हुई हैं, अच्छी बात नहीं है। क्या अर्ज कर रहा था, इस वक्त कुरान करीम अपनी तारीख के एक मुनफरिद दौर से गुजर रहा है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं ये लफ्ज़ फिर दोहराता हूं,
कि दुनिया को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है इस हवाले से, बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। वैंकूवर में एक अंग्रेज ने मुझसे कहा कि अगर आपका दीन सच्चा है, आपका कुरान सच्चा है, तो ये हमने कहा कर अफगानिस्तान में देखा, काबुल में देखा, आप बगदाद में देखा, मुसलमानों पे तो कयामत गुजर गई है, इतना मजलूम क्यों है। तो मैंने उसको कहा कि इस्लाम की यही तो इनफिरादी खसूसियत है कि ये किसी दौर में जालिम नहीं रहा, हमेशा मजलूम रहा। इसके निखार का सीजन ही मजलूमियत है। वो जो जरखेज मौसम जिसे आप कहा करते हैं ना कि ये मौसम बड़ा जरखेज है, तो मजलूमियत का जमाना इस्लाम के लिए इंतहाई जरखेज है। वो जो कहा कि करबलाओं से है दीन मुस्तफा की आबरू, मुसलमान कभी जालिम नहीं होता, मजलूम होता है। और मुसलमानों के कायद की यह पहचान है कि मजलूम रहकर भी मुस्तइल नहीं हुआ। सामने रखिए इंसानी फितरत, और इंसानी फितरत के आईने में जायजा लीजिए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का, रहमत आलम के उसवा का। दो अल्फाज मुझे रहमत आलम के उसवा हसना में नहीं मिले, दो अल्फाज नहीं मिले, बुजदिली और इश्तियाल। बुजदिली और इश्तियाल, जमाना सता सता के थक गया, सता सता के थक गया, लेकिन ये देखने को तरस गया कि कभी ये शख्स गुस्से में तो नजर आए। गुस्से में नहीं, आंखों में आंसू देखे गए, आंखों में आंसू देखे गए, हुज्न देखा गया, आप मगमूम नजर आए, महजून नजर आए, लेकिन मुश्ताइल नहीं, मुश्ताइल नहीं। गुजरते हैं, सुमैया को तड़पता देखते हैं, अम्मार यासिर को तड़पता देखते हैं, तागूत हर दौर का संग दिल होता है गुजरांवाला के दोस्तों, सिर्फ आज का फिरौन नहीं, कल का फिरौन भी दरिंदा और संग दिल था, शकावत की इंतहा पे था। आइए एक वरक दिखाऊं, एक वरक। सुभानअल्लाह। अच्छा मैं वो बात पूरी कर लूं कि रहमत आलम जब गुजरते हैं और सुमैया को तड़पता देखते हैं, अम्मार यासिर को तड़पता देखते हैं, फरमाते हैं आजमाइश तो बहुत कड़ी है, अजियत भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अजर भी बहुत बड़ा है। बस रहमत आलम के लबों से निकलने वाले इस जुमले से इश्क के उन मुसाफिरों ने यह सारा सफर हंस खेल के कर दिया। फिरौन ने एक खातून को जकड़ रखा है, वो खातून उसके फाइनेंस मिनिस्टर की बीवी थी। फिरौन का वजीर खजाना जानते हो क्या नाम है उसका? जी कारून तो मुस्तकिल एक और फिरौन है भाई, या रब्बल आलमीन वही बात कर दिया आपने। हाँ
हिज़्क़ील उसका नाम है, हिज़्क़ील हा हलवे वाली। चेहरे पर रौनक आ गई जी, देखा आपने, हलवा सुनकर रौनक आ जाती है चेहरे पर, और खाते में मेरे डाला जाता है वो। जा ज़कात वाली काफ नुक्ते वाला हिज़्क़ील, हजरत हिज़्क़ील साहेब ईमान है। फिरौनों के दामन में वो इसी तरह मूसाओं को पाला करता है। उसको पकड़ने के लिए कारिंदे भेजे मुखबरी की बदबख्तों ने, फलां जंगल में हमने हिज़्क़ील को देखा, फिरौन ने भेजा पकड़ के लाओ। जब फिरौन के अहलकार पहुंचे तो वह वकायम युसल्ली फिस सहारा, हाँ काली साहब, वह वकायम युसल्ली फिस सहारा, एक पहाड़ के दामन में जंगल में महव इबादत है, अल्लाह की याद में खड़ा है, और उसके पीछे तीन सफ़े हैं जंगल के जानवरों की इब्तदा, उसकी इक्तदा में। ऐसा इमाम मिल जाए तो कौन ना उसके पीछे इक्तदा करे। हमें तो ढाई ढाई तीन तीन हजार के इमाम मिले हुए हैं। तेरा इमाम बेहुजूर, तेरी नमाज बेसुरूर। ऐसे इमाम से गुजर, ऐसी नमाज से गुजर। तो उन्होंने आके फिरौन को इत्तला दी, हिज़्क़ील खड़ा हुआ है वहां पर। उसने एक बहुत बड़ा लश्कर भेजा बदबख्त ने, जाओ पकड़ के लाओ एक आदमी को, एक आदमी को। हर दौर के फिरौन के लिए एक आदमी दर्द सर बना करता है, सुन्नतुल्लाह है, सुन्नतुल्लाह है। जब फिरौन का लश्कर आया उसी जंगल में, उसी हिज़्क़ील को न ढूंढ सका, मौजूद था न ढूंढ सका। हिज़्क़ील मौजूद हुआ करते हैं लेकिन फिरौनों को नहीं मिला करते। उसकी बीवी थी, बाज़ रिवायात ने उसे मशाता कहा गया, बाज़ रिवायात में उसे माश्ता कहा गया। वो फिरौन की बेटी को कंघा देने पर मामूर थी। उसका यह जाब था कि फिरौन की बेटी के बाल टेढ़े ना होने पाए। हाँ, बल निकालेंगे वो क्या खाक मेरी किस्मत के, अपनी जुल्फों के बाल उनसे तो निकाले ना गए। इतना बड़ा कंघा लिए फिरती थी बेचारी हर वक्त, वो माश्ता और फिरौन की बेटी को कंघा देती रहती थी, उसके बाल सीधे रखती थी। एक दिन कंघा देते हुए उसकी हाथों से वो गिर पड़ा। औरतों की आदत है ऐसे मौके पे उनके मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता है, जैसे पंजाब की हमारी बहनों बेटियों के हाथों से कंघा गिर जाए, और तेरा खाना खराब, और तेरा कख ना रवे। उसके हाथों से जो कंघा गिरा उसने कहा ताइसा मन कफर बिल्ला, अच्छों के मुंह से हमेशा अच्छी बातें निकला करती हैं। कंघा गिरा तो कहने लगी ताइसा मन कफर बिल्ला, उसका खाना खराब जो अल्लाह से कुफ्र करे। तो फिरौन की बेटी ने यूं देखा, कहने लगी तू किसका नाम ले रही है। माश्ता ने कहा मैं अपने माबूद का नाम ले रही हूं। फिरौन की बेटी ने कहा मन रब्बू की, मन इलाहू की, तेरा रब तेरा माबूद कौन है। माश्ता ने कहा रब्बी, रब समावात वल अर्ज व रब अबू की, व रब अबू की, मेरा माबूद वो है जो जमीन और आसमान का पालने वाला है, पैदा करने वाला है, और तेरे बाप का भी पैदा करने वाला है। गुस्से में पागल होकर उठी, बाल बाल भूल गई, चीखती हुई तड़पती हुई बाप के सामने जाके कहने लगी हमारी कनीज, हमारे घर की नमक खार, आपके मुकाबले में कोई और रब बनाए फिरती है, अभी सुन के आई हूं। उसने कहा पकड़ लाओ।
पकड़ लाई गई वो खातून। फिरौन ने वही सवाल किया, मन रब्बू की, आपसे भी ये सवाल होने वाला है, मन रब्बू का। वो जो आगे आ रही है दायमी जिंदगी, ये बैलो बराज की दो रोजा जिंदगी खत्म होने वाली है, डाइनिंग टेबल और बाथरूम की जिंदगी खत्म होने वाली है, गिलासतों और बदबू से भरी हुई जिंदगी खत्म होने वाली है, अगली जिंदगी आ रही है, वहां पहला सवाल मन रब का, उसकी तैयारी कर लीजिए। रहमत आलम ने फरमाया, अगर किसी शख्स ने गुनाह भी किए हों, खताएं भी किए हों, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना किया हो, तो उसको सही जवाब की तौफीक मिल जाएगी और वो इस इम्तिहान के पहले पर्चे में कामयाब हो जाएगा। तो फिरौन ने पूछा, मन रब की, मन इलाहू की, तेरा रब कौन है, तेरा माबूद कौन है। माश्ता ने आंखें बंद करके बस चला गया वो दौर जब तक छुपाया था, ईमान को छुपाया था। आज इजहार का दिन है, कहने लगी, रब्बी अल्लाह, रब्बी अल्लाह, रब्बु समावाती वल अर्ज व रब्बु आबाइक। मेरा रब वो है जो आसमानों और जमीनों, जमीन का रब है, तेरा और तेरे बाप दादे का रब है, जिसकी रुबूबियत पूरे कायनात को इहाता किए हुए हैं, जो आलमीन का रब है, रब्बी अल्लाह। الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वो लोग जो मुझे रब मान लेते हैं और मुझे रब मानने के बाद आने वाली मुसीबतों का सामना इस्तेकामत से करते हैं, वो मेरे हैं, मैं उनका हूं, वो मेरे हैं, मैं उनका हूं। फिरौन ने कहा, मैं बहुत जालिम हूं। तो फिर माश्ता ने भी कहा, तुझसे उम्मीदें करम होगी जिसे होगी, मुझे तो देखना यह है कि तू जालिम कहां तक है। इकबाल क्या कहता है, अजब चीज है लज्जत आशनाई। वो क्या है जी, हा ये गाजी, ये तेरे पुरसरार बंदे पुरअसरार, ये गाजी, ये तेरे पुरसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम उनकी ठोकर में दरियाओं सहरा, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। ये प्यार का सफर भी अजीब होता है, मोहब्बत का सफर भी अजीब होता है, पूरी दुनिया की परवाह किए बगैर इश्क मस्ती का सफर जारी रखा जाता है। कोई पूछे ना जुन्नूरैन से, इख्तियार के बावजूद, इक्तदार के बावजूद, फोर्स के बावजूद, कातिल के मुंह पे थप्पड़ भी नहीं मारते, अपने आप को अल्लाह की मर्जी के सुपुर्द कर देते हैं। अजब चीज है लज्जत आशनाई। कोई पूछे ना हुसैन से कि जज्बे दरों से जुल्म को फिनार कर दिया,
जज्बे दुरू से जुल्म को फिन्नार कर दिया, खूने जिगर से करबला गुलनार कर दिया। नींद आ गई, नींद आ गई आग के शोलू में लेट कर, खुद सो गया हयात को बेदार कर दिया। खुद सो गया हयात को बेदार कर दिया। फिरौन ने कहा दरख्त के साथ जकड़ दो इसे जंजीरों से उस खातून को। हाँ, औरतें यूं हुआ करती हैं। किसने कहा औरत सिंफ नाजुक है? किसने कहा ये कमजोर है? हाँ, उस वक्त कमजोर है जब मैदे की होके रह जाए, और जब ये नजर फिक्र नजर का सफर करती है तो फिर कई मर्दानगियां इसके कदम पे कुर्बान हुआ करती हैं। बेशक जकड़ा गया एक दरख्त के साथ, कील ठोंके जा रहे हैं उसके जिस्म में कील। वह फिर आओ ना दिल अवतार الذين طغوا في البلاد وفرعون قران نے ذل اوتاد اس لیے کہا ہے وہ یاد دلایا کہ کیل ٹھوکے اس خاتون کے جسم میں اور وہ کیا کہتی ہے ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ فرعون کے اہلکار تبصرہ کرتے ہیں خسر فسر کرتے ہیں जुल्म जितना ज्यादा हो रहा है इसका इश्क मस्त हो रहा है ये अभी घबराई नहीं इसे कंफ्यूज कैसे किया जाए कंफ्यूज कैसे किया जाए तजवीज आई इसकी शीरखार बच्ची है शीरखार बच्ची उसको इसके सामने जिवा करो मानता है हार जाएगी शीरखार बच्ची को लाया गया दूध पीने वाली बच्ची को लाया गया। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन बच्चे हैं जो इस सन में बोले। एक ईसा अपनी वालदा की तकदीस पर बोला, एक अजीज मिस्र का बच्चा घर का बच्चा जो सैयदा जो सैयदना यूसुफ की तकदीस पर बोला, और एक ये बेटी जो अपनी माँ को हिम्मत दिलाते हुए कहती है या उम्मा उस बुरी या उम्मा ला तज्जाई फइन्नल्लाह बना लना बैतन फिल जन्ना। सुभान अल्लाह। माँ घबराना नहीं, ये दुनिया का ठिकाना तो आरजी है, मैं अपनी मासूम आंखों से जन्नत में अपना घर देख रही हूँ। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने उस मासूम की लाज रखी, उसकी दूसरी बहन भी, वो भी, उसकी माँ भी, इन तीनों के आंखों से दुनिया हटा दी गई, जन्नत सामने लाई गई। फिरौन ने तीनों को कील ठोंक ठोंक के मार डाला, कत्ल कर दिया, लेकिन कत्ल के बाद कातिल शर्मिंदा हुआ, मकतूल सरबलंद हुआ, मकतूल का चेहरा चमक उठा, कातिल का मुंह काला हुआ। ये रिश्ते क्या होते हैं? इश्क़ मस्ती के सफर में ये रिश्ते क्या होते हैं? इन्हें तो इकबाल बुतान वहम व गुमां कहता है। इकबाल की जुबान में ये बुतान वहम व गुमां हैं। जिस तरह खलील ने रिश्ते कुर्बान किए अल्लाह के प्यार के सफर में, अल्लाह की मोहब्बत के सफर में, जब बेटा था तो बाप को कुर्बान कर दिया, और जब बाप बना तो बेटे को कुर्बान कर दिया, वतन छोड़ा, जान दे दी, फिर बीवी बेटे को वीराने में छोड़ाए। कहना बड़ा आसान है, अब्दुल मजीद कह रहा है, सुनना भी बड़ा आसान है, गुजरांवाला वाले सुन रहे हैं,
कोई करके दिखाए ना। और फिर जब बेटा उस उम्र को पहुंचा के जब उसकी अदाएं पेरेंट्स के दिल में लहरें पैदा करती हैं, जब बेटा जवानी की हुदूद छूने लगता है, जब बुलूग के हुदूद के करीब आता है, तो उस वक्त वालिदैन के दिल से पूछिए कि उनकी उम्मीदें, उनकी हसरतें, उनकी आरजुएं, उनकी तवक्कुआत, कैसा शबाब आता है उन पर। ऐन इसी मरहले पे बैठे बिठलाए नया इश्क का आजार हुआ, फरमाया इसको मेरे रास्ते में कुर्बान करके दिखाइए। फरमाया ये माल ओ दौलत दुनिया, ये रिश्ता ओ पैवंद, ये माल ओ दौलत दुनिया, ये रिश्ता ओ पैवंद, बुतान वहमो गुमा, बुतान बुतान। हम पता नहीं औलाद के लिए क्या करते रहते हैं। जब औलाद जवान होती है तो बूढ़े बाप के मौत की दुआएं करती है, सबसे ज्यादा दुआ यही करती है, अल्लाह इनू संभाल ले, हर शहर कब्जा करके बैठा हुआ है, संभाल इनू। ढाके में मेरा एक दोस्त था हाजी साहब, एक बेटा था उसका। हम रात को 2 बजे आए कॉन्फ्रेंस से फारिग होकर, मेरे बिस्तर बेडरूम पे आके, बेडरूम में आके मेरे बिस्तर पे आके वो हाजी साहब बैठे और कहने लगे, शाह साहब आप जब दुआ मांगते हैं लाखों लोग आमीन कहते हैं, दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे इस मूजी से निजात दिलाए। अपने बेटे की तरफ इशारा किया। मैंने कहा हाजी साहब तेरा एक तो बेटा है, अब उसकी आंखों से इतने मोटे मोटे आंसू। कहता है मैंने इस मलहून को मांगने के लिए 3 उम्रें की और मुल्तजिम में जाकर, मुल्तजिम में गिलाफ को, काबा को पकड़ कर मैंने रब्बुल आलमीन से कहा, या अल्लाह तूने चींटियों को भी बच्चे दिए हैं, परिंदों को भी बच्चे दिए हैं, समंदर की मछलियों को भी बच्चे दिए हैं, एक मुझे भी दे दे। मैंने कहा ये बेसिक मिसिंग है तेरी हाजी साहब, कि तूने जानवर मांगा, इंसान नहीं मांगा। दो टांगों दो बाजू वाले मोटे ताजे सफेद चिटे जानवर हर घर में पैदा होते हैं, इंसान कहीं कहीं पैदा होते हैं, यही तेरी बेसिक मिसिंग है, बुनियादी गलती है। खैर अल्लाह करम फरमाए, सुबह हुई, नाश्ते पर जब हम बैठे तो वही नौजवान मेरे पास आके कहता है, शाह साहब ढाका में जितने बड़े बड़े बुजुर्ग थे सब अल्लाह को प्यारे हो गए, दुआ कीजिए मेरे वालिद साहब भी अल्लाह को प्यारे हो जाएं। ये हैं जिनके लिए आप माल और दौलत इकट्ठा कर रहे हैं, जिनके लिए आप सोना चांदी इकट्ठा कर रहे हैं। औलाद है क्या करेगी मेरे बाद, ओहो तुझे रिज्क किसने दिया, तुझे तेरे पेरेंट्स से मिला है। जो जी शऊर और रोशन जमीर वालिदैन होते हैं वो अपनी औलाद के लिए ये मुसीबतें जमा नहीं करते। ये दुनिया है, ये दुनिया। और जागो रे गरीबा पे नजर डाल बइबरात। ये गोरे गरीबा जानते हैं आप, तिक्का शाप जानते हैं, तिक्का कबाब जहां मिलता है वो तो जानते हैं ना, हाँ वहां खूब जानते हैं। जागो रे गरीबा पे नजर डाल बइबरात, वो गोरिस्तान कब्रिस्तान जहां बड़े बड़े सिकंदर से हुए हैं, बड़े बड़े रोसार उमरा से हुए हैं। फरमाया जा गोरे गरीबा पे नजर डाल बइबरात, खुल जाएगी तुझ पर तेरी दुनिया की हकीकत, इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुर्बत, और पूछ कहाँ है वो तेरा शान हुकूमत। कल तक जो सजा था
कल तक जो भरा था वो गुरूर आज कहाँ है, ऐ कासा ऐ सर बोल तेरा ताज कहाँ है। बुतान वहमो गुमा, ये सब ख्याली बुत हैं, ख्याली। और बाकी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी मेरे अजीज की तिलावत में हजरत जकरिया की बात थी, सैयदना यहया की बात थी कि जब सैयदना जकरिया ने अल्लाह से रोशन जमीर बेटा मांगा, रब हबली मिल लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, पाकीजा बेटा, पाकीजा जो तुझसे भी वफा करे मुझसे भी वफा करे, तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया, क्या कहा जी, क्या पढ़ रहे थे आप? फना अन्नल्लाह युबशिरुका बियाहिया, हम मुबारक देते हैं आपको बेटे की, नाम भी हम खुद रखते हैं बियाहिया। एक और जगह फरमाया लम नजअल लहू मिन कब्लु समिया, ये नाम इससे पहले और किसी का नहीं रखा गया, पहला नाम है दुनिया में। युबशिरुका बियाहिया मुसद्दिकम बिकलिमतिन मिनल्लाहि वसय्यदन वहसूरा वनबीयम मिनस्सालिहीन। सुभानअल्लाह। काल रब्बी अन्ना यकूनु ली गुलाम, या अल्लाह कैसे होगा, मौसम नहीं है, बेशक तू हर शय पे कादिर है लेकिन तेरे कुछ जाबते हैं, कानून हैं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया जाबते मेरे पाबंद हैं, मैं जाबतों का पाबंद नहीं, मैं जो चाहूं करता हूं। अच्छा, इलाहुल आलमीन कुछ अलामत बताइए। रब्बी जाली आया काला, तेरी याद दिलाइए, जिक्र की तरफ लाइए इन्हें, मुझसे वाबस्ता कीजिए इन्हें। और अफजलु जिक्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह। दोनों बेटियां उसके दिल पे ज़िबा कर दी गई, माश्ता के दिल पे छोटी बेटी ज़िबा की गई, फिर उसके बाद वाली बेटी ज़िबा की गई, और वो रब्बी अल्लाह, रब नहीं बदलूंगी, माबूद नहीं बदलूंगी, मेरा रब मेरा अल्लाह है, तुझे नहीं मानती हूं, तू मुझ जैसा इंसान है, हां एक लिहाज से तू मुझसे सीनियर है कि मेरे मैदे में कम गिलाजत है, तेरे मैदे में जरा ज्यादा है, 4-5 किलो है तो मोटा ताजा है ना, लेकिन मैं रब अपने अल्लाह को मानती हूं, नहीं मानूंगी तुझे। गुजरांवाला के दोस्तों, इन दिनों रब्बुल इज्जत की कसम, असर हाजिर के फिरौन के सामने ऐसे कई हिजकील और ऐसी कई माश्ताएं यही कह रही हैं, रब्बी अल्लाह। और आज आज के फिरौन की स्याही पूरी दुनिया देख रही है।
आज के फिरौन की स्याही पूरी दुनिया देख रही है। एक शख्स के नाम से इतने एलर्जिक हैं कि कहीं से कोई नाम आ जाए उसका पतलून खराब हो जाती है, उसकी बदबू पूरी दुनिया को परेशान कर देती है। कल भी भूल थी, आज भी भूल है जुल्म को कि शायद जुल्म इस्तेहसाल से इंसानों को जीता जा सकता है। ये भूल थी, कल भी आज भी भूल है, इंसानों को कत्ल किया जा सकता है, जीता नहीं जा सकता। कुरान अपनी सच्चाई मनवा रहा है। आज भी मैं शायद वो बात पूरी नहीं कर सका था कि राबता आलम इस्लामी की तहकीक के मुताबिक इस वक्त दुनिया में तकरीबन 2.2 करोड़ इंसान हुफाज हैं, बच्चियां और मर्द और औरतें। सबसे ज्यादा औरतों में हाफिजात मलेशिया में हैं, मलेशिया में सबसे ज्यादा हाफिजात हैं बच्चियां कुरान करीम की। मैं जाता हूं वहां, कई इदारे हैं जिनकी मैं सरपरस्ती भी करता हूं, सालाना तकसीम असनाद के लिए जाता हूं। इतनी छोटी छोटी जिस्म वाली बच्चियों को मैं चादरें और दुपट्टे डालता हूं कि मुझे यकीन नहीं आता ये कुरान की हाफिजा है, इसलिए कि बड़ी तख्ती वाला कुरान अगर मैं उसके सामने खड़ा कर दूं तो वो कुरान की कद से छोटी नजर आती है। गुजरांवाला के दोस्तों, असल में वहां गुजरांवाला की सकाफत यह है, वहां का कल्चर यह है कि बच्चों की शादियों से पहले दो काम जरूरी हैं। एक ये कि बेटा बेटी दोनों कुरान हिफ्ज करें, दूसरा ये कि हज करके आए। हम तो हज पे उस वक्त जाते हैं ना जब आसाब में कुछ नहीं रहता। जो दोस्त हज किए बैठे हैं वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि हज के मौके पर मलेशिया के हुज्जाज जवान होते हैं, ज्यादातर जवान होते हैं, और हमारे पाकिस्तान से गए हुए, हिंदुस्तान से गए हुए 90-90 साल के, 80-80 साल के बेचारे। हाँ जी, वो एक हाजी अपने नाल वाले नु पूछे, बैतुल्ला शरीफ नु इशारा कर, ये केड़े साई दा दरबार है? ठीक है भाई, वो ज़हन च जो दरबार। इकबाल कहता है, बराहीमी नजर पैदा बड़ी मुश्किल से होती है, हवस छुप छुप के पहलू में बना लेती है तस्वीरें। तो हवस ने जो दरबार सजा रखे हैं वो बैतुल्ला के मुतालिक भी पूछता है, केड़े सही दा दरबार है? तो असल में अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो कहता हूं कि हज का असल मौसम ही जवानी है, जवानी में जाइए। तो इंशाअल्लाह वो वक्त आ रहा है भाई, कुरान करीम मिंबर और मेहराब से निकलकर मैदान में आ रहा है इंशाअल्लाह। मैं यूरोप से 5-6 दिन के लिए पाकिस्तान आया था, हमारा वहाँ जो मरकज़ ज़ेर तामीर है उसकी बेसमेंट मुकम्मल हुई, उसकी ओपनिंग हो रही थी, तो उसमें बच्चों ने इसरार किया तो मैं आ गया। इस दौरान कराची में भी मुझे एक दो जगह हदीस ख़त्म बुखारी में शिरकत करना थी, गालिबन कारी साहब से मुलाकात भी हो गई थी, है ना, जहाज़ में ये भी मुझे मिल गए थे कारी साहब भी। तो जब मैं वहाँ से उस सफ़र के दौरान मुझे एक हमारी मरकजी वजारत के सेक्रेटरी हैं, वफाकी सेक्रेटरी हैं, मेरा एहतराम करते हैं, मैं भी उन्हें एहतराम से मिलता हूँ, तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हैं, मैंने उन्हें बताया कि ख़त्म बुखारी है, उसमें मैं कुछ तकसीम असनाद हैं बच्चों को दस्तार बंधवाऊँगा। कहने लगा, भाई दवे शाह साहब, आपके इदारों में जो पढ़ रहे हैं लोग उनका स्कोप क्या है? मैंने कहा, आपकी यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ रहे हैं उनका स्कोप क्या है? जी वो डॉक्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, जज बनते हैं। मैंने कहा, देखो मैंने अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं कि उनका नाम मैं अभी तक नहीं बयान कर रहा,
मैंने कहा सेक्रेटरी साहब आप तकल्लुफ से काम ले रहे हैं, मुख्तसर सा जवाब यह है जो आपने मुझसे पूछा कि आप अपने इदारों में अंग्रेज के गुलाम तैयार कर रहे हैं और हम अपने इदारों में मोहम्मद अरबी के गुलाम तैयार कर रहे हैं, बाकी सारे तकल्लुफ की बात है। रही स्कोप की बात, तो मेरी शायद बात आपकी समझ में ना आए, मैं कुछ कंजस्टेड लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, इकबाल की जुबान में समझ लीजिए। गुजरावाला के दोस्तों, रिज्क सर्टिफिकेट से नहीं मिलता, सच कहता हूं, रिज्क तिजारत से भी नहीं मिलता। कभी कभी तिजारत करने के बावजूद कुछ नहीं मिलता, लोग परेशान रहते हैं। ठीक है, हर ताजर कामयाब नहीं होता, रिज्क दुकान में नहीं आसमान में है। वफिस समाए रिज्कुकुम वफिस दुकान नहीं, क्या कहा कुरान करीम ने, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अल्लाहु रिज्कुहा। रूए जमीन पर कोई जानदार, तुम तो इंसान हो, अशरफुल मखलूकात हो, कुरान ने तो यहां तक इनकरेज किया कि कोई जानदार दुनिया में ऐसा नहीं जिसके रिज्क की जिम्मेदारी अल्लाह ने न ले रखी हो। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाहु रिज्कुहा वयालमु मुस्तकर्रहा वमुस्तौदाहा कुल्लुन फी किताबिम मुबीन। मैं अपनी मखलूक की मालूम उनके एड्रेस को भी जानता हूँ, उनके ठिकाने को भी जानता हूँ, उनके वतन को भी जानता हूँ, उनके महल्ले को भी जानता हूँ, उनके घर को भी जानता हूँ, उसकी जरूरियात को भी जानता हूँ। मामता अपने शीरखार की ख्वाहिशों को इतना नहीं समझती जितना मैं अपने बंदों की ख्वाहिशों को समझता हूँ और लाज रखता हूँ। दुबई का मुर्शिद बाजार, रेड लाइट की वजह से ट्रैफिक रुका हुआ था, हमारी गाड़ी भी रुकी तो साथ ही आकर एक रेड़ी कपड़ों से भरी हुई, एक नौजवान उसे खींच रहा था, वो आके रुकी और उसने बेचारे ने यूं पसीना पूछा। मैंने जब उसके चेहरे की किताब पढ़ी तो अंदाजा हुआ कि तस्वीर तो पाकिस्तान की है, तो मैंने शीशा उतारा, मैंने पूछा इनता पाकिस्तानी, कहते जी छोड़ो पाकिस्तानियाँ, बाकी अरबी शरबी बोलनी शुरू की है तुसी। अच्छा पाकिस्तानी कितने रहते हो, कहते गुजर खान दाऊ। मैं क्या पुत्र तू पढ़िया नहीं ना, हूँ रेड़ी खिंचनी पै गई है। कहता जी मैं ग्रेजुएट हाँ, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लैके मैं दफ्तर के चक्कर कटदा रहा, सियासतदाना के झूठ उन्होंने वादे सुनता रहा, लेकिन सर्टिफिकेट फिर हूँ वो तो सर्टिफिकेट है, उन्होंने मैं पराठा बना के खा तो नहीं ना सकता। हाँ वो इस वास्ते हूँ इतने आके मैं दाल रोटी इस तरह कमा रहा हूँ। ये कोई स्कोप है? हम फक्र के रहनवर्द हैं, हमारा कायद फकीरों का इमाम है, उसका इरशाद है अल-फक्र फखरी, मेरा फक्र मेरा फख्र है, और ये फक्र इज्तिरारी नहीं इख्तियारी है, इज्तिरारी नहीं इख्तियारी है। पेशकश हुई उहद को सोने का बना दूं, पेशकश बाद में हुई सोने का पहले बना दिया रब ने, कि मेरा महबूब हां कहे तो मैं कहूं बना हुआ है। रहमत आलम ने फरमाया, रहमत आलम ने अर्ज किया ना मेरे अल्लाह, मुझे सोने के पहाड़ नहीं चाहिए, लेटूंगा जमीन पर खाऊंगा नाने जमी, कभी खाऊंगा ज्यादा फाके होंगे, कभी खाऊंगा ज्यादा फाके होंगे, लेटूंगा जमीन पर कारपेट पे सजदे करने वालों
मेरे आका ने पूरी जिंदगी कभी मोटे कपड़े पे सजदा नहीं किया। 95% सजदे नंगी जमीन पे हुए। तुम्हें शिकवा है नमाजें बेरूह हैं, दुआएं कबूल नहीं होती, ये सोचा कभी आपने? नमाजें कहाँ पढ़ रहे हो और किस तरह पढ़ रहे हो? मस्जिदों को ड्राइंग रूम बना रखा है तुमने, बल्कि बेडरूम बना रखा है तुमने। लेटूंगा जमीन पर, खाऊंगा नाने जमी, पहनूंगा मोटा छोटा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम कभी नहीं पहना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमखाब कभी इस्तेमाल नहीं किया, दो रेशे इस्तेमाल किए, सिर्फ दो रेशे। सुनो उलमाए किराम, कुर्रा हजरात, आज के बाद कारी साहब पर पाबंदी लगाता हूं, चमकने वाली टोपी न पहना करें, बेटियों का हक है, मर्दानगी में ऐब है चमकने वाली चीज पहनना। सादा टोपी इस्तेमाल करें, ज्यादा पगड़ी इस्तेमाल करें। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमामा के बगैर पगड़ी अपना, टोपी भी कम इस्तेमाल किए। और नंगे सर नमाज पढ़ने वाले दोस्तों, मेरे अजीज नौजवानों, होश से काम लो, नफ्स की बंदगी छोड़कर सुनो मेरी बात। तुम नमाज नंगे सर पढ़ते हो, रहमत आलम बगैर नमाज के भी नंगे सर नहीं रहे। पढ़ो हुजूर की सीरत, मुताला करो रहमत आलम का उसवे हसना। ये मत दलील दो कि हरम में कुछ लोग नंगे सर पढ़ते हैं। हरम में तो अभी मैं इस हज में भी था, ये जिन बोलता है, खड़े हुए जिन बोला निकाला, अनफी सलाह बाद सलाह कलिम। तो ये कब शुरू करोगे फिर? ये कोई दलील है? क्या कह रहा था मैं, दुखों की तरफ चला गया हूं। तुमने मुझे दुख भी तो बहुत दे रखे हैं, चुप रहता हूं। दो रेशे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किए, कॉटन वूल, बस कपास, ऊन। अल्लाह टेट्रून से आपको निजात अता फरमाए, पॉलिएस्टर से निजात अता फरमाए। हाँ, नहीं छोड़ते हो उसको कि जी सीधी रहती है, उस पर वो नहीं पड़ती, शिकने नहीं पड़ती, जान चली जाए, शिकन ना पड़े, न करें। वूल कॉटन। इलाहुल आलमीन, जमीन पे लेटूंगा, खद्दर पहनूंगा, ज्यादा फाके कम नाने जमी खा लूंगा, लेकिन सोने के पहाड़ नहीं चाहिए, तेरी मुस्कुराहट चाहिए। मैंने अपने दोस्त से कहा, सेक्रेटरी साहब इकबाल की सुनो, फरमाया किसे खबर के हजारों मकाम रखता है, किसे खबर के हजारों मकाम रखता है वो फक्र जिससे हो बेपरदा रूह कुरानी, वो फक्र जिससे हो बेपरदा रूह कुरानी, खुदी को जब नजर आती है काहिरी अपनी, खुदी को जब नजर आती है काहिरी अपनी, यही मकाम है कहते हैं जिसको सुल्तानी, और यही मकाम है मोमिन की कुव्वतों का अमीन, इसी मकाम से मोमिन है जिल्ले सुबहानी, ये जबरो कहर नहीं है
ये इश्को मस्ती है, ये जबर कहर नहीं है, ये इश्को मस्ती है कि जबर कहर से होती नहीं जहां बानी, जबर कहर से दिल नहीं जीते जाते, दिल नहीं जीते जाते। आज भी जबर कहर से हुक्मरानी करने वाले मिसाइल तो रखते हैं, बम तो रखते हैं, लेकिन लोगों के दिलों को टटो लिए, लोगों के दिल हजार बार उन पर लानत भेजते हैं। ये शक। और अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह इनसे निजात अता फरमा। और इसको मस्ती के मुसाफिरों की जहां बानी कैसे होती है। एक माँ अपनी बेटी से कहती है दूध में पानी मिला लो। अल्लाह अकबर। बेटी कहती है ना माँ, अमीर मोमिनीन उमर फारूक ने रोका है, ऐसा न किया करो। माँ कहती है इस वक्त उमर कहाँ है। बेटी कहती है उमर नहीं है, उमर का खुदा तो देख रहा है। अल्लाह अकबर। इंसानी माशरे यूं तैयार हुआ करते हैं, जबरो कहर से नहीं हुआ करते। ये जबर कहर नहीं है, ये इश्को मस्ती है कि जबर कहर से होती नहीं जहां बानी। फिर मैंने उसको बेतकल्फी है हम में यहां से पकड़ा, टाई मेरे हाथ में आई, मैंने कहा किया गया है गुलामी में मुबतला तुझको, किया गया है गुलामी में मुबतला तुझको कि तुझसे हो न सकी फक्र की निगहबानी। ये फकरा का मस्कन है और यहां की जिंदगी, यहां की रूह ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह। इधर से अगर आएगी ना आवाज, यहां से नहीं, इससे निजात पाओ, अल्लाह तुम्हें इससे निजात दे, मैदे में डूब गए हो, इधर से आवाज आएगी तो बात बनेगी। ये कलमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, इसे मिंबर व मेहराब की कैद में न डालिए, तस्बीह खानों तक महदूद न कीजिए। ये फारान से गूंजा, बद्र से ओहद से होता हुआ, तबूक व यरमूक व मदायन व कादसिया से होता हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह। अल्लामा ने तो कहा ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है। अगर अल्लामा जिंदा होते तो उनसे माजरत के साथ मैं तरमीम की दरख्वास्त करता, इब्राहिम अब कोई नहीं आ सकता, खत्म नबुव्वत की सद्दे सिकंदरी है, अल्लाह के रसूल के बाद अब कोई नया नबी नया रसूल नहीं। तरमीम की दरख्वास्त करता, तरमीम इतनी अच्छी पेश करता हूं कि इकबाल झूम उठता। इसी हज में मेरे अल्लाह ने मुझे गारे सौर पे पहुंचाया। मैं जब वहां पहुंचा 22 नवंबर को, तो वहां नीचे खड़े हुए जहां टैक्सियां जाके उतारती हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान देख रहे थे, वो वहां है चढ़ाई यूं है ना जी। मैं जब वहां पहुंचा तो सारे मिलने जो जानते थे सारे मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए, 400-500 आदमी जमा हो गए। मुसाफों के बाद चल पड़ा, जब मैं चल पड़ा अजाफुन्नास अफकरुन्नास, तो फिर सारे मेरे पीछे। हाँ जी,
कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, कोई वहां गिरा, कुछ पहुंच गए। तो दरमियान में बातें भी होती रही। एक लखनऊ से आया हुआ नौजवान था, कहने लगा जी कभी कभी निस्बतें भी इज्जत अता कर देती हैं, कौन पूछता इस संगलाख पहाड़ को, किसी के कदमों ने इसे अर्श से भी मुअज्जज कर दिया। फिर किसी ने वो शेर सुनाया, आए खाके करबला तू इस एहसान को न भूल, कि तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशे बतूर। जब मैं गारे सौर पे पहुंचा तो लंबी कतार लगी थी, वहां जो लोग आके कुछ देर लेटते हैं अपने अपने जौक के मुताबिक सब, तो हम जो नमाज के लिए जगह बनी हुई है उस सता मुर्तफा पे जाके इकट्ठे हुए। तो अहबाब ने कहा कुछ कहें, मेरा मशरफ भी यही है, मैं चाहे अलील हूं, बीमार हूं, कुछ हूं, लेकिन कुछ कहें। तो मैंने खाके अपना गारे शोर की तरफ इशारा करके कहा, ऐ संगे गारे शोर तू उस एहसान को न भूल। तरमीम की मैंने उस शेर में, बुझे ना, खाके करबला तू इस एहसान को न भूल, के तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशाए बतूल। मैंने कहा ऐ संगे गारे शोर तू इस एहसान को न भूल, के बैठे हैं तेरी गोद में सिद्दीक और रसूल। बैठे हैं तेरी गोद में सिद्दीक और रसूल। तो मैं तरमीम करता, ये दौर फिर किसी शब्बीर की तलाश में है, ये दौर फिर किसी शब्बीर की तलाश में है। उन्होंने कहा सनम कदा है जहां, मैं कहता हूं सितम कदा है जहां, ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्फ अल्फ मर्रतिन बिअदद कुल ज़र्रतिन कमा तुहिब्बु व तरदा। इंशाअल्लाह इंसानियत को कल भी कुरान ने हलाकत के किनारे से बचाया था, आज भी एटम बम नहीं कुरान बचाएगा इंशाअल्लाह। एटम बम तो हलाकत का निशान है, हलाकत का इस्तेआरा है, कुरान ही इंसानियत का निजात दहिंदा है। यही कल भी आज भी इंसानियत के काम आने वाली सच्चाई है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपको इस सच्चाई से अमलन वाबस्ता करे। इस मरकज की कामयाबी की दुआ करता हूं। हाँ बस प्यास तो मैं सारी रात भी बैठा रहा हूं तो बाकी ही रहेगी, ये प्यास नहीं बुझती इंशाअल्लाह। इस अल्लाह के बंदे ने मुझे फंसा रखा है, फजर की नमाज के बाद भी कुछ कहना है। रात भी अजीज वहाँ लियाकत बाग में बहुत देर तक बात होती रही, आज इसी को कबूल फरमा लीजिए। सुबह इंशाअल्लाह फजर की नमाज के बाद कहाँ गुफ्तगू करनी है भाई? जामे मस्जिद नूर अलामा इकबाल रोड मोहल्ला बख्ते वाला। चलो वही जो इन्होंने कहा है, जामिया तय्यबा तजवीदुल कुरान के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह इसे कुरान करीम की इशात, कुरान करीम की तालीम, कुरान करीम की तनवीर के लिए कबूल फरमा ले। आप सब हजरात जो दूर दराज से तशरीफ़ लाए अल्लाह आपको भी दारैन की इज़्ज़त नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद व बारिक व सल्लम। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्म हब्बिब इलैना अल-ईमान وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الفائزين وجعلنا من المفلحين وجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم ثبتنا على صراط المستقيم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين دنيا اسلام کی مدد فرما مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما فلسطین अफ़गानिस्तान कश्मीर इराक़ जहाँ कहीं मुसलमान
जुल्म का निशाना बने हुए हैं। या रब्बल आलमीन अपने करम से उनकी मदद फरमा। पाकिस्तान को तमाम खतरात से ऐ अल्लाह महफूज फरमा ले। ऐ अल्लाह वतन अजीज़ को कुरान सुन्नत पर मबनी आइन अता करके अमन व सलामती का गहवारा बना दे। दौर खिलाफत राशदा से नस्बत रखने वाला आदिलाना तर्ज ज़िंदगी अता फरमा दे। या अल्लाह तमाम रूहानी जिस्मानी बीमारों को अपने करम से शिफाए कामला अता फरमा। तेरे जिन बंदों ने इस सिलसिले में दुआ के लिए कहा तू उन्हें भी शिफा अता फरमा, और जो हम नहीं जानते तू जानता है अपने करम से उनको भी शिफाए कामला अता फरमा। हम रूहानी बीमार हैं ऐ अल्लाह तू अपने करम से हमें भी रूहानी जिस्मानी बीमारियों से निजात अता फरमा। इस मुबारक महीने में हम सबको अपने कामयाब बंदों में शामिल फरमा। महरूम रहने वालों से महफूज फरमा। इसके बकिया लम्हात में ऐ अल्लाह हमें सआदतें समेटने की तौफीक अता फरमा। क्या नाम है उनका? क्या नाम है उनका? हाजी निज़ामुद्दीन साहब जो इस इदारे के मोहसिन हैं, बानी हैं, वो अलील हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह उन्हें भी सेहत कामला अता फरमाए। आप तमाम दोस्तों को अल्लाह दुनिया और आखरत की इज़्ज़त नसीब फरमाए। आप 20 रकातों के बाद भी बैठे रहे, कुछ बाद में तशरीफ़ लाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व बारक व सल्लम अलैहि।